हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड 12 फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हीट होता है यानी कि फोन गर्म होता है ना, तो इसे सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती थी कि हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन हीट करता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसे ही आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे भी हमारा फोन हीट होता है। क्योंकि देखिए, दूसरे मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है ना वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान और रखनी है कि आप कभी भी अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारे लोग जो है ना फोन को चार्जिंग पे लगा के भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण मोबाइल फोन हीट होता है, ठीक है ना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है ना, तो हम उसे अपडेट नहीं करते या फिर अपडेट करने का ध्यान नहीं रहता है, तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है ना, तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको है ना कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है ना, इस ब्राइटनेस को आपको ना कभी भी है ना फुल नहीं रखना है। इस ब्राइटनेस को आपको उतना ही रखना है जितनी जरूरत है, इसको बेमतलब में फुल नहीं रखना, इससे मोबाइल फोन हीट होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस देखिए ये करना है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को आपको रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड सर्च आइकन पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। रीसेट लिखेंगे आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे की साइड यहाँ पे ना ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है ना वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे ना, तो इससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपका फोन हीट हो रहा है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।